चलिए अब 5 मिनट का टाइम है आप लोग को, क्लियर है? और आप लोग ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसको आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो आप हिंदी में बोलो, मैं उसका बता दूंगा उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। चलिए आप स्टार्ट करिए। वे उम्मीदवार है। अच्छा, वे उम्मीदवार है ना? अगर इसको इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? तो वे के लिए होगा दे आर कैंडिडेट्स, क्लियर है? देखो ऐसा कोई सेंटेंस बोलो ना जिसको आप क्लास में यूज कर सको, समझ पा रही ना, क्लास वगैरह में यूज कर सको, ऐसा कुछ। चलिए आप पूछिए। जाओ मैम से जाकर पूछो। हाँ जाओ, हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछो, क्लियर, जिसका आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो लेकिन आप बोल नहीं पाते हो, हिंदी में तो आ जाता है। जाओ मैम से जाकर पूछो, तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे गो एंड आस्क मैम, है ना? गो एंड आस्क फ्रॉम मैम, आप स्पीकिंग में इस तरह से बोल सकते हो, गो एंड आस्क मैम, क्लियर है? आस्क टू मैम। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो इसको इसको क्या बोलेंगे? मे आई कम इन, अगर सर है तो मे आई कम इन सर, अगर मैडम है या मैम है तो मे आई कम इन मैम, क्लियर है? दो तैयार हुआ, जाओ मैम से जाकर पूछो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गो एंड आस्क टू मैम या आस्क फ्रॉम मैम, गो एंड आस्क टू मैम, क्लियर? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कैन आई कम इन। वे उम्मीदवार हैं, इसको क्या बोलेंगे? दे आर कैंडिडेट्स। और बताइए अब किसका नंबर है? हाँ बताइए। जाओ जाकर पूछो आज मैम क्या होमवर्क देंगे। हाँ जाओ जाकर पूछो आज मैम क्या होमवर्क देंगे, क्लियर है? तो गो एंड आस्क टू मैम, गो एंड आस्क टू मैम, जाओ और आस्क टू मैम मीन्स मैम से पूछो, क्लियर है? व्हाट इज द टूडेज होमवर्क, कि आज का क्या होमवर्क है, क्लियर है? या व्हाट विल बी द टूडेज होमवर्क, आज का होमवर्क क्या रहेगा, समझ में आया? इतना समझिए, व्हाट विल बी मतलब क्या रहेगा, टूडेज होमवर्क यानी कि आज का होमवर्क। चलिए और बताइए। अब मैं पूछती हूँ, जाओ जाकर मैम से पूछो डायरी चेक करेंगी। हाँ जाओ जाकर मैम से पूछो डायरी चेक करेंगे, तो इसको बोलेंगे गो एंड आस्क टू मैम, गो एंड आस्क टू मैम फॉर चेकिंग द डायरी, फॉर चेकिंग द डायरी, इसका मतलब जाओ और मैम से डायरी को चेक करने के लिए पूछो, तो यहां पर आप सिंपल से कर सकते हैं फॉर चेकिंग द डायरी, क्लियर है? और पूछिए। बोलो बेटा। हाँ, कभी पूछो। चलो जल्दी। आज मेरा क्या क्या होमवर्क बचा है? हाँ आज मेरा क्या क्या होमवर्क बचा है, क्लियर है? तो क्या हो जाएगा इसका, देखो क्या क्या होमवर्क बचा है, तो व्हाट होमवर्क है ना, लेफ्ट टुडे, क्या क्या बच गया है आज होमवर्क मेरा, क्या क्या बचा या क्या क्या बच गया है, तो इसको सीधा बोलेंगे व्हाट होमवर्क मतलब कौन सा होमवर्क, इसको सिंपल सा व्हाट होमवर्क इज लेफ्ट टुडे, आज कौन सा होमवर्क है जो कि लेफ्ट रह गया है या बच गया है, क्लियर है? सिंपल सा। देखो आप ऐसे भी बोल सकती हैं, या आप ऐसे बोल सकती हैं विच होमवर्क, कौन सा होमवर्क इज लेफ्ट बचा है ना, इज लेफ्ट बचा है या हैज लेफ्ट बच गया है टुडे आज के, क्लियर है? समझी क्या बोलेंगे, बोलो साथ में, विच होमवर्क इज लेफ्ट टूडे, यस। दूसरा विच होमवर्क हैज लेफ्ट टूडे। चलो अभी 1 मिनट का टाइम है, और बताइए अब आप। कल मैम ने कौन सा वर्क करवाया था? हाँ जैसे आप फ्रेंड सर्कल में पूछते हैं ना, कल मैम ने कौन सा वर्क करवाया था, तो इसका क्या हो जाएगा? करवाया था पास्ट है, तो यस्टरडे है ना, यस्टरडे। विच टाइप ऑफ वर्क मैम कंप्लीटेड, इसका क्या हो जाएगा? यस्टरडे विच टाइप ऑफ वर्क कंप्लीटेड, कल मैम ने कौन सा वर्क करवाया था, क्या बोलेंगे? यस्टरडे विच टाइप ऑफ वर्क है ना, मैम कंप्लीटेड, क्लियर है? या कंप्लीटेड बाई मैम। और बताइए और क्या है क्वेश्चन? मैम मैं खेल लूं? हाँ मैम क्या मैं खेलूं, तो मैम सेल आई प्ले, सेल आई या सेल आई गो टू प्ले या मे आई गो टू प्ले, क्या मैं खेलने जाऊं,
क्लियर है? या आप सिंपल से शैल आई गो टू प्ले या शुड आई गो टू प्ले, क्या मैं खेलने जाऊं? तो समझ में आया? ये पर डे 5 मिनट का सेशन रहेगा। आप लोग को लिस्ट बना लेनी है ऐसे सेंटेंसेस का जिसको आप डेली बेसिस पर यूज करते हो, क्लियर है? तो उसको आप मुझसे इंग्लिश में पूछ लीजिए और जो है कोशिश करिए जहां नीड हो वहां पर इंग्लिश में ही बोलिए। ओके, ये सही है? ये पर डे चलेगा 5 मिनट का सेशन। पहले मैं आप लोग से पूछूंगा, ठीक, जो दिया रहूंगा उसी में से, और आप लोग कहीं से भी पूछ सकते हैं। ओके,